हाय एवरीवन, वेलकम टू द बीस्ट मास्टर्स डोजो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राइट्स इशू के लिए नेट बैंकिंग से कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले राइट्स इशू होता क्या है, जब आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए होते हैं और कंपनी आपको रिवॉर्ड करना चाहती हो, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहती हो, उनको कुछ सस्ते दामों पर शेयर्स दे देती है। जैसे मान लो आपके पास 100 शेयर हैं, तो आपको लेट से 10 शेयर आप ले सकते हो कंपनी से थोड़े सस्ते दामों पर। फॉर एग्जाम्पल, ओरियन ग्रीन पावर का शेयर अभी 14 रुपये के आसपास अवेलेबल है, लेकिन कंपनी ने राइट्स इशू निकाला हुआ है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, जहाँ पे उनको मात्र 10 रुपये में शेयर मिल रहा है। तो उसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं अभी HDFC नेट बैंकिंग में लॉग इन हूँ। मैं जाऊँगा अपने अकाउंट्स टैब पर, उसके बाद रिक्वेस्ट टैब में जाके मैं नीचे तक स्क्रॉल डाउन करूँगा। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा IPO राइट इशू न्यू, यहाँ पर जाके क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे हम अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे एंड पैन नंबर वेरीफाई करके आई रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस पे यस क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। अभी यहाँ पे क्योंकि मुझे राइट्स इशू के लिए अप्लाई करना है, तो मैं राइट्स इशू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा एंड मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ओरिएंट ग्रीन पावर के कुछ शेयर्स हैं, कंपनी ने उसी में राइट इशू निकाला हुआ है, तो वो मुझे यहाँ पे विजिबल है एंड मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ सीधा अप्लाई बटन पे क्लिक करके। एंड देन यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो मुझे वेरीफाई करनी है। मैं कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो सब यहाँ पे डाल सकते हैं। 10 रुपये का एक शेयर है, तो उस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे 15 डाला तो ये अमाउंट अपडेट होकर 150 हो गई। देन मुझे यहाँ पे डालना है, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो ज़ीरोधा में है, तो मैं CDSL सेलेक्ट करूँगा एंड मुझे यहाँ पे DP नेम डालना है। ज़ीरोधा का जो DP नेम है वो है ज़ीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड। क्योंकि ये पूरा अलाउ नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे LTD डाल के छोड़ देता हूँ। DPID जो है वो रीड ओनली आ रहा है एंड यहाँ पर मुझे बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर डालना है ज़ीरोधा का। तो बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर डालने के बाद मैं सीधा आई एग्री सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। तो अब मेरी जो बिड है वो सक्सेसफुली प्लेस हो गई है एंड जब ये अलॉटमेंट होगी मेरे पास कोई ना कोई नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा वाया बैंक और माई डीमेट अकाउंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये डिटेल मुझे यहाँ पर दिख भी रही है कि कौन से बैंक के लिए क्या हुआ है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, क्या क्वांटिटी थी, क्या प्राइस था, कट ऑफ पे है या नहीं है, कितनी अमाउंट मैंने पे की है अपने अकाउंट से एंड सो ऑन।